एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको जो याद होने चाहिए। ये आप क्या करें, गांठ बांध लें। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सिद्ध कीजिए ऐसा इस क्वेश्चन में आपको बोला है। तो यहाँ आपको यह साइड दे रखी, साइड का सिंप्लीफिकेशन करके दूसरी साइड लाना है। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों अपना, ये कौन सा आता है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सा आता है, राइट। तो ये राइट हैंड साइड, इसकी तरफ मुंह करके, कॉपी की तरफ मुंह देख, मुंह रख के यानी कॉपी की तरफ देखते हुए अपने हाथ से जो अपना ये डिसाइड करें। तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं फॉर्मूला जानता हूँ दोस्तों कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है का टेन ए, यहाँ जो चिन्ह आता है वो डायरेक्ट यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, टेन बी बाई वन माइनस टेन ए गुणा टेन बी। वह इसके लिए बात करेंगे, देखो माइनस साइन के लिए, ठीक है। यहाँ किसके लिए बात की, प्लस के लिए, अब माइनस साइन के लिए बात करेंगे यहाँ नीचे वाले के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होता है, यहाँ जो चिन्ह होता है वो ऊपर आ जाता है। तो टेन ए माइनस टेन बी नीचे, इसका उल्टा चिन्ह आएगा, टेन ए टेन बी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ a बराबर कितना है, पाई बाई फोर, और b बराबर कितना है, x। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन पाई बाई फोर प्लस b बराबर कितना है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए x है तो टेन x आ गया। नीचे देखिए आपका यहाँ वन माइनस a की जगह कितना, पाई बाई फोर, एक्स की जगह कितना, बी की जगह कितना, एक्स। ओके, अब इसकी बात करते हैं, देखो थोड़ा देखिए आपका नीचे आ रहा है, यहाँ तक बड़ा है। ओके, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है। यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ आ गया दोस्तों आपका टेन पाई बाई फोर, ऊपर कौन सा चिन्ह आया हुआ, देखो माइनस चिन्ह आया हुआ है, 10x। यहाँ गया 1 प्लस टेन पाई बाई फोर गुणा टेन एक्स। ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस किया, देखो ध्यान से समझो। इसके लिए मैंने जब फॉर्मूला लगाया तो मेरा कौन सा भाग आया, ये वाला। ध्यान से देखो, यहाँ पे a बराबर कितना है, पाई बाई फोर, b बराबर कितना है, x। तो यहाँ a की जगह कितना, पाई बाई फोर, b की जगह कितना, x। वन माइनस टेन a की जगह पाई बाई फोर और b की जगह x, ठीक है। जब इसके लिए मैंने फॉर्मूला काम में लिया, नीचे वाला आपके जो भाग है, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल कर आता है, ये वाला निकल कर आता है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि यह जो इस प्रकार से आपका होता है, यहाँ समझिए देखिए ए बी बाई एक्स बाई वाई, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ये ऊपर वाला ये तो जैसा है वैसा रहता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ जो नीचे आता है ऊपर आ जाता है, यहाँ जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ जाता है। तो सिमिलरली इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी यहाँ जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर भेज दो। इसी के साथ यहाँ टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, और साथ में कौन है, देखो टेन एक्स, नीचे वन माइनस टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना हो गया, वन। तो ये आपका माइनस और ये क्या आ गया, टेन एक्स आ गया, गुणा इसका उल्टा, ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे देखो है ऊपर आ जाएगा, वन कौन सा चिन्ह है, प्लस टेन पाई बाई फोर, वन हो गया, टेन एक्स आ जाएगा। ओके, वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है जो आपका होता है, डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे बात करते हैं, टेन पाई बाई फोर कितना, वन, माइनस क्या है आपका, टेन एक्स।
अब यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे जो चाहिए वो दिखाई दे दिया मुझे, तो क्या चाहिए यहाँ पे आपका 1 + 10x का बाई 1 - 10x का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ देखो 1 + 10x × 1 + 10x क्या जाता है दोस्तों आपका 1 + 10x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 - 10x × 1 - 10x का मतलब क्या हुआ 1 - 10x का होल स्क्वायर। और जब हम जानते हैं ऊपर नीचे होल स्क्वायर होता है, ओके ऐसे समझिए आपका a² / b² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a / b² लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 10x / 1 - 10x का होल स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है आपका आंसर प्रूव हो जाता है। ओके आसान लगा शायद ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो उसमें हमें क्या मिला है।